अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ताहिर बलोच और इस टाइम आप देख रहे हैं ताहिर बलोच व्लॉग्स। आज हम जो हैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने हैं वो है टुसॉन, जो पाकिस्तान में आजकल काफ़ी मकबूल गाड़ी है। ठीक है, और ये है फुल ऑप्शन वाली गाड़ी। आप गाड़ी देख सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा कलर है। ये इसका इंटीरियर है, ये साइड कार्ड से। ये गाड़ी जो है ना, अगर आप सही पूछें, अगर मैं सही बताऊं तो मुझे जो है ना इसकी फिनिशिंग अंदर से नहीं पसंद आई। बाकी सीट सेम है इसकी, बाकी आप ये लेदर देख सकते हैं। गाड़ी अभी आई है नई, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इस गाड़ी के सीट काफ़ी पुरानी सी लगने लग गई है। ये गाड़ी कल आई है गाड़ी, तो उसका गियर मुझे नहीं पसंद आया। गियर जो है वो छोटा सा है इसका। बाकी आप देख सकते हैं LCD इन्होंने चाइना की दे दी है इस गाड़ी में, जो आजकल यूनिवर्सल गाड़ियों में आ रही है वो। बाकी कंसोल है आप देख सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट ये सेम ही है स्पोर्टेज से ना। पीछे से भी सेम, भाई ये इन्होंने चीज़ नहीं दी है, ये स्पोर्टेज में नहीं है जिन्होंने दिया है। बाकी कैबन पिछला जो है ना मुझे थोड़ा सा छोटा लगा है स्पोर्टेज से, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा स्पोर्टेज से, क्योंकि ये उसी के ही बराबर की गाड़ी निकाली है होंडाई वालों ने। इसकी लाइट्स हैं जो इस टाइम जल रही हैं, ये इसकी जो लाइट्स हैं ना, ये वाली ये डे लाइट्स हैं। जब आप हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो ये डे लाइट्स इसकी बंद हो जाती हैं, फिर ये ऊपर की लाइट जलती है। वैसे ये लाइट्स जब आप डिम पे करते हैं तब ये लाइट्स जलती हैं, अदरवाइज़ ये लाइट्स इसकी नीचे की हर टाइम जलती हैं। अब मैं लाइट्स बंद कर दूंगा ना, फिर ये नीचे वाली लाइटें जलने लग जाएंगी। या वैसे फिनिशिंग का अंदाज़ा वैसे लगा सकते हैं, क्वालिटी से नहीं है इतनी ख़ास फिनिशिंग इस गाड़ी की। जिन्होंने गाड़ी ली है वो भी कहते हैं कि यार मुझे जो है ना गाड़ी अंदर से स्पोर्टेज ही पसंद है, क्योंकि उनके पास स्पोर्टेज थी। अब आप ये देख सकते हैं ये बटन जो है ना, गाड़ी देखें कितना चली हुई है, 151 किलोमीटर। ये बुल्तान से कल आई है, और गाड़ी के ये बटन शटन जो है ना काफ़ी अजीब से ही हैं। फिनिशिंग के हिसाब से गाड़ी की बाहर से आउटलुक बहुत प्यारी बनाई गई है, इसमें कोई शक नहीं, आउटलुक इसकी वाकई बहुत प्यारी है, लेकिन अंदर से इंटीरियर की समझ मुझे नहीं लगी इस गाड़ी की। और ये भी बटन आप देख सकते हैं किस तरह की लाइट्स हैं। बहरहाल गाड़ी की जो ड्राइव है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है स्पोर्टेज से। आप इसको ये नहीं कह सकते कि स्पोर्टेज से जो है कम ड्राइव है, इसकी ड्राइव ऑलमोस्ट स्पोर्टेज जैसी ही है। LCD चाइना की होने की वजह से ना इसके साउंड में भी इतना मज़ा नहीं है। देखें सेम टू सेम इसका कैबन जो है ना स्पोर्टेज जैसा ही है, सेम टू सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ऑयल भी रिकमेंड किया हुआ कि शेल वाला डलवाएं, देखिए उन्होंने लिखा भी हुआ है। अब इसको इसकी बैक दिखाता हूं मैं आपको, और ये थोड़ी सी मुझे अजीब लगी है ये चीज़, यहाँ से इन्होंने बहुत दे दिया। अब ऐसा लगता है जैसे गाड़ी जो है ना पीछे से उठी हुई है। इसके सर गियर पार्किंग पे है, लेकिन डिग्गी ही नहीं खुल रही इसकी यहाँ से। अभी देखते हैं अंदर से, बाकी इसकी जो है ना डिग्गी भी सेम ही है, स्पोर्टेज जैसी ही है। वही कुम हो गए टायर हैं इसके कोरिया के, पर यहाँ पे कलर की शेड देखें, उसी जिस कलर की गाड़ी है ना उसी कलर की शेड भी है इसके ऊपर। बाकी इसमें एक जो मुझे कमी लगी है वो सबसे ज़्यादा कमी इसमें सेंसर्स की है, इसमें सेंसर देने चाहिए थे कंपनी को,
कंपनी ने सेंसर नहीं दिए इस गाड़ी पे। बाकी आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसमें जो चीज़ मुझे फील हुई है ना, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसकी सनरूफ की आवाज़ बहुत बुरी है, सुनिएगा। अब सुनाता हूँ आपको, ये है। बाकी इसमें सेम वही लाइट्स हैं स्पोर्टेज की तरह की। गाड़ी अच्छी है, चलने में गाड़ी अच्छी लगी है मुझे, यानी कि सेम बस स्पोर्टेज से ही है ये, 19-20 का ही कंपैरिजन है। अब ये मार्केट में गाड़ी आएगी काफ़ी तादाद में, तो पता चलेगा कि इसकी क्या कहानी है। बाकी देख सकते हैं इसमें भी उन्होंने लाइट्स दी है कैबिन में, ठीक है। वो एसी का इन्होंने दिया जिसको कहते हैं कूल बॉक्स, अभी ये बंद किया हुआ इन्होंने। वैसे इतना वैसे खास फर्क नहीं लगा, कूल बॉक्स जिसका नाम है इतना बड़ा। बाकी मोड्स हैं, ऑक्स का मोड है वहाँ पे, शो होती है एलसीडी पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी शो होती है। बाकी यूएसबी है, इस टाइम इसकी एवरेज है 9.10 की, उसके बाद फिर ये इसकी एवरेज है, इन्होंने 100 किलोमीटर के ऊपर तय की हुई है। एक और ऑप्शन मुझे जो अच्छा लगा इस गाड़ी में, वो ये है कि जब आप स्पोर्ट्स या कंफर्ट लगाते हैं मोड ना, तो उसके ऊपर इसकी ना लाइट्स चेंज हो जाती हैं, ये एक अच्छी चीज़ लगी है मुझे इसमें। बाकी वो फोर व्हील एक्टिव करते हैं तो ऐसा बनाता है इसमें, देख सकते हैं आप। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ना, वो इसका अलग से बटन दिया गया है यहाँ पे, वो है, ठीक है। और ये नहीं है इसका मज़ा, फिनिशिंग में गाड़ी का मज़ा नहीं है। अब आप देख सकते हैं, वो तो जिन्होंने लिया है उनको भी समझ आई है गाड़ी, उनके पास पहले स्पोर्टेज थी तो उन्होंने ये बात की है कि यार मुझे जो है ना इसका कैबन नहीं पसंद आया, और कैबन मुझे इसका तंग लगा है स्पोर्टेज से, उनके पास पहले स्पोर्टेज थी। तो बाकी आप देख सकते हैं फिनिशिंग, चलें अब आज का रिव्यू हो गया इस गाड़ी का, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और गाड़ी आएगी तो उसका भी रिव्यू देंगे आपको। जज़ाकअल्लाह।